सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस की रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस मामले को लेकर बिहार पुलिस की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सुशांत के पिता केके सिंह ने मुंबई पुलिस पर की जांच पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक वीडियो में कहा, पहले 40 दिनों तक मुंबई पुलिस ने मामले की जांच नहीं की, अब मुजरिम भाग रहे हैं, जांच में बिहार पुलिस की मदद करें। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सुशांत के पिता केके सिंह के उन दावों को खारिज किया जिसमें उन्होंने बताया था कि 25 फरवरी को मैंने बरांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है। इन सबके बीच सुशांत के परिवार ने 19 से 25 फरवरी के बीच तब के बरांदा डीसीपी परमजीत दहिया के साथ उस व्हाट्सएप चैट को शेयर किया जिसमें एक्टर की जान को खतरे के बारे में बताया गया था। परिवार का दावा है कि 14 जून को पुराने चैट्स के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस व्हाट्सएप चैट में ओपी सिंह, जो कि सुशांत के जीजा जी हैं, उन्होंने डीसीपी परमजीत एस दहिया को साफ लिखा, रोगर सर, यानी कि उन्हें शिकायत मिल गई थी, इस बात की उन्होंने इत्तला दी थी। ओपी सिंह ने सुशांत का नंबर भी दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सुशांत के अलावा सिद्धार्थ पठानी का नंबर भी शेयर करते हुए लिखा था, सिद्धार्थ पठानी आपको बाकी सारी जानकारी दे सकता है, हम बस इतना चाहते हैं कि सुशांत वहां पर अकेला है और इस बात के लिए उसे कोई चोट ना पहुंचाए। 19 फरवरी 2020 को ओपी सिंह ने मैसेज कर डीसीपी परमजीत दहिया को जानकारी दी थी कि वो इतना अच्छा और खुशमिजाज लड़का है, मेरी पत्नी उसकी चिंता करती रहती है। 6 दिन बाद 25 फरवरी को उन्हें जवाब मिला, सर एक मीटिंग में हूँ, आपको कॉल करता हूँ। इसके बाद ओपी सिंह ने फिर कुछ मैसेज भेजे जिसका जवाब मिला, नोटेड सर। आपको बता दें, उसके बाद ओपी सिंह ने एक और मैसेज लिखा, रिया के पिता एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं, सुशांत के साथ बस कुछ दिन की जान पहचान के बाद वो सुशांत के घर में रहने लगी है। उसका डिप्रेशन ठीक करने के बहाने से उसका पूरा परिवार सुशांत के साथ महीनों तक एक रिजॉर्ट में रहा। सुशांत को रिजॉर्ट में शिफ्ट करने के बाद रिया और उसका परिवार सुशांत के बिजनेस और काम को हैंडल करने लगा है, तब से वो बहुत ज्यादा ढलान पर है। आपको बता दें, उसके बाद 25 फरवरी को ही इस चैट में ओपी सिंह ने आगे लिखा, जब चीजें हाथ से बाहर हो गई तो सुशांत ने मेरी पत्नी को फोन किया और कहा उसे रिया के चंगुल से छुड़ा ले। उन्होंने आगे लिखा, 2-3 दिन हमारे साथ रह के गया है और यहाँ बिल्कुल ठीक था, फिर उसे काम और शूटिंग के चक्कर में वापस जाना पड़ा, वो एक बार फिर से अशांत और बेचैन हो गया है। हमें पता चला है कि रिया उसके पूरे स्टाफ को नौकरी से निकाल रही है। वहीं सुशांत के जीजा ने इस चैट में आगे लिखा कि रिया सुशांत के स्टाफ को निकाल कर अपने जानने वाले लोग को नौकरी पर रख रही है। उसकी तीसरी बहन जो दिल्ली में वकील है और अक्सर उससे मिलने जाती है, काफी चिंता में रहती है कि सुशांत ने कुछ ऐसे लोगों के हाथ अपनी जिंदगी सरेंडर कर दी है जो लगातार उससे छल कर रहे हैं और काबू में कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसकी जान खतरे में है। सुशांत के जीजा ने अपने व्हाट्सएप चैट में सुशांत और उसके दोस्त का नंबर भी दिया, लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी को फोन कर पूछताछ भी नहीं की और 14 जून को सुशांत ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ रिपोर्ट्स।